मॉर्निंग स्टार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने नवदुर्गा के उपलक्ष्य में नुक्कड़ नाटक करते हुए वर्तमान समाज में नारी की वास्तविकता का आईना दिखाया। कार्यक्रम जिला परिषद के पास मां मंगला गौरी मंदिर पर आयोजित किया गया, जिससे बालिकाओं की शानदार प्रस्तुति ने माहौल को जीवंत कर दिया। मां के नौ रूपों की झांकी प्रस्तुत कर उनको लाचार व अवला के रूप में उत्पीड़न का शिकार दिखाकर वास्तविकता से सभी लोगों को अवगत कराया। बालिकाओं ने संदेश दिया कि सिर्फ नौ दिन ही नहीं, हर समय हमें नारियों की इसी भांति पूजा करनी है, उन्हें सम्मान प्रदान करना है। सामाजिक भेदभाव, अत्याचार, उत्पीड़न जब दूर होगा तभी सही मायने में हम दुर्गा पूजा के अधिकारी होंगे, अन्यथा दिखावे के लिए देवी की उपासना व्यर्थ है। मनोरंजन के साथ साथ छात्राओं ने सरल एवं सहज शब्दों में अपनी बात कही। पोस्टर पर स्लोगन लिखकर उन्हें अपनी कला के माध्यम से नया रूप भी प्रदान किया। वहां उपस्थित जनसमूह द्वारा तालियां बजाकर छात्राओं के इस प्रयास की जमकर सराहना की गई। लोगों ने आगे भी उन्हें इसी प्रकार जागरूकता फैलाने को प्रेरित किया। समाधान लेकर आई हैं। नारी ही तो वो शक्ति है जो एक उंगली से भी हिमालय को हिला सकती है। वो ही एक नारी है जो माता बनकर भगवान को भी अपनी गोद में खिला सकती है। तो आइए हम सब मिलकर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं देवियों की कथा को लेकर। सभी मेहमानों का मॉर्निंग स्टार स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम आपको उन गैर कानूनी कामों के बारे में बताएंगे जो आप जैसे हम आम आदमी करने को घबराते हैं। तो दोस्तों, इस नाटक को देखो और समझो। तो दोस्तों, मॉर्निंग स्टार ग्रुप प्रस्तुत करता है नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है। ओ जी, बल्ले बल्ले, मुन्ना हुआ है मुन्ना। अजी बजाइया जी बजाइया। मेरे मुन्ने नु नीला पैंट भी लाना है, नीले जूते भी लाने हैं। मेरे मुन्ने नु सब कुछ नीला ही नीला होएगा। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। मैं अपनी बेटी को गुलाबी रंग से सजा दूंगी, गुलाबी जूते, गुलाबी लहंगा और गुलाबी फ्रॉक। मेरी बेटी के लिए सब कुछ गुलाबी गुलाबी होगा। देखा आप सभी ने, यहाँ पे लोग कैसे हैं? जैसे लड़का हुआ तो उस पे नीला रंग, लड़की हुई तो उस पे गुलाबी रंग। हमारे समाज में इसी वक्त से शुरू होता है एक लड़का और एक लड़की के बीच में भेदभाव। बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? हाँ, खूब छक्के छुड़ाई और तेंदुलकर जैसे बनी हो। देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? हाँ, जा खूब खेल उससे। पापा, मुझे बैट नहीं बैडमिंटन चाहिए। बैडमिंटन? तू क्या करेगा बैडमिंटन का? तुझे पता नहीं बैडमिंटन लड़कियों का खेल होता है। मम्मी मम्मी, मुझे गुड़िया नहीं फुटबॉल चाहिए। फुटबॉल? फुटबॉल तो लड़के खेलते, मैं तेरे लिए गुड़िया लेके आई हूँ, जा गुड़िया से खेल। ऐसा क्यों होता है कि खिलौनों से ही हमारी पहचान होती है? और क्या हम ये भी सही नहीं कर सकते कि हम कौन सा खेल खेलना चाहते हैं? तो देखा आप सब लोगों ने, हमारे समाज में बचपन से ही छोटी छोटी पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिससे लड़के और लड़कियों के बीच में फर्क पैदा होता है। अबे चुप, ये पाबंदियां तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हमारे समाज में किसी घर में लड़की पैदा होती है तो उसके साथ क्या होता है? अरे डॉक्टर साहब, क्या खुशखबरी है, बताइयो बताइयो, लड़का हुआ है लड़का। अरे वाह, लड़का हुआ है, पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बंटवा दी जाए। बताइयो बताइयो, लड़की हुई है लड़की। क्या डॉक्टर साहब, लड़की? पहले से डॉक्टर साहब घर में तीन तीन बच्चियाँ हैं, अब एक और। मेरी अब सारी धन दौलत ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, पर मुझे ये बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, बेटा। हाँ तो हम कहाँ थे, एक तरफ घर में लड़का पैदा हुआ तो खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई, और दूसरी तरफ घर में लड़की पैदा हुई तो उसको कोसने लगे। आज भी हमारे भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ लड़की पैदा होने पर या तो उसे गला घोट कर मार देते हैं या खोलते हुए दूध में डुबो कर। तो माता माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हैं। कहाँ गई वो बच्ची तुम्हारी जो बेटी को मार गिराते हो? थैंक यू।